As usual. आई एम नॉट सिटिंग लेडी लाइक हाउ दे यू शुड बी टीच यू इन द इंडियन कंफर्टेबल. आर्मी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई ऑलवेज से इट इज एन अदर पर्सन पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, दे कंफर्ट काउंट. इफ यू आर कंफर्टेबल, आई एम आई ओके एम विद वेरी दैट. कंफर्टेबल सिटिंग सो लाइक दैट दिस. काउंट्स, नॉट एन इश्यू. थैंक यू. हाँ जी. सर, योर जर्नी हैज बिन ट्रूली इंस्पिरेशनल. आपने जो आर्मी में सर्व किया 21 ईयर्स, एंड द मिशंस दैट यू हैव बिन अ पार्ट ऑफ, द इंटरनेशनल मिशंस दैट यू हैव बिन अ पार्ट इज इंस्पायरिंग फॉर द यूथ. लेकिन आपका इंस्टाग्राम बायो कहता है कि आप सोल्जर हो, टीचर हो और हीलर हो. सो आई वॉन्ट टू नो कि ये जो जर्नी एक सोल्जर की है, हाउ इज इट बिकमिंग अ जर्नी ऑफ अ टीचर एंड अ हीलर नाउ? ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सोल्जर हूं दैट इज वेरीफाइड, है ना. जैसे लिंक्डइन पे बोलते हैं वेरिफिकेशन डन, वेरीफाइड. बट टीचर और हीलर, ये दो काम कर रहा हूं मैं. डेफिनेटली आई एम डूइंग इट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. डिग्री किसी भी चीज की नहीं मेरे पास में, है ना. सर्टिफिकेट नहीं है, बट काम जरूर कर रहा हूँ. एंड सो फार आई हैव पास विद फ्लाइंग कलर्स. आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड डूइंग बोथ द थिंग्स. एंड कहाँ से शुरू हुआ? शुरू तो मैंने किया था लोगों को कि भाई, है ना, सोल्जर बनाऊंगा एंड सोल्जरली क्वालिटीज. मैंने कि मुझे लगा कि ऑपरेशन तो मैं कर नहीं सकता अभी, बिकॉज इन सेकेंड इनिंग्स, है ना, आई एम नॉट ऑथराइज टू डू दैट थिंग. एंड सेकेंड बेस्ट थिंग बट आई एम गुड एट, जो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, दैट वॉज ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग के आस्पेक्ट्स हैं फिजिकल, है ना, मेंटल, एंड ओरिएंटिंग द यूथ दोज हु वांट टू जॉइन आर्मी. सो इनिशियली शुरू तो वैसे ही किया था, बट स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली मुझे लगा कि ना, लॉट ऑफ पीपल दे आर कनेक्टिंग विद देम, एंड आई एम गुड एट इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टमेंट, जब लोग बात करते हैं, पीपल टॉक इन टर्म्स ऑफ मनी. मैथ्स मेरी हमेशा से खराब रही है, तो पैसा भी मुझे थोड़ा कम समझ में आता है. बट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टिंग माई इमोशंस एंड माई एफर्ट्स इन टू पीपल, आई एम वेरी गुड एट. वो मैं मन से करता हूँ. दिमाग थोड़ा कम लगाता हूँ, दिमाग की जगह दिल पूरा लगाता हूँ. सो आई इन्वेस्टेड इन माई बैचेस जो आने लगे स्टूडेंट्स, उनमें. एंड आई रियलाइज आई सीन द पॉजिटिव चेंजेस इन देम, उनमें, उनके पेरेंट्स में, द पॉजिटिव फीडबैक विच आई गॉट फ्रॉम द एनवायरमेंट. सो दैट वॉज ए वेकअप कॉल फॉर मी कि, है ना, कि आई एम गोइंग द गुड डायरेक्शन. बिकॉज, है ना, अपने आप को तो आप खुद कुछ भी डिक्लेयर कर दो, बट आंटी अनलेस यू गेट ए पॉजिटिव फीडबैक एंड द रियलिटी चेक फ्रॉम द एनवायरमेंट ना. सो पीपल टोल्ड मी. एंड देन वन गर्ल सृष्टि, शी वॉज इन माई बैच सेकेंड, शी हैड गिवन मी ए नेम, कर्ल मैजिक. तो मैंने कहा, रियली आई कैन डू मैजिक? सेज यू हैव डन मैजिक. मैं, अच्छा, मैं हैव गॉट मैजिकल पावर्स. कहते यस. तो वहाँ से भरोसा आया कि मैं, अगर उसने भरोसे में बोला है, सृष्टि ने, कि वी यस कर्ल मैजिक, तो आई नीड टू लिव अप टू दैट नेम. सो नॉट दैट आई वॉन्टेड टू डू सम मैजिक, बट मैंने कोशिश करके देखता हूँ, है ना, समथिंग गुड आई कैन डू. एंड वहाँ से कहानी शुरू हुई थी. एंड देन आई हैव सीन व्हेन पीपल केम, तो वी कनेक्टेड एट ए लेवल, बिकॉज आई नेवर कॉल इट ए अकेडमी. पीपल से कोचिंग, मैं, नो, आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ कोचिंग. यू नो, आई ट्रेन पीपल. ट्रेनिंग डिमांड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट. कोचिंग में जोर नहीं लगता. इट्स सेट टेम्पलेट, ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे करना है. देयर आर थ्री वेज टू डू इट. तो कोचिंग में बताया जाता है कि अगर इस एग्जाम में पास होना है तो ऐसे करना है, इफ यू वांट टू क्रैक एसेस भी तो ऐसे करना है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं पहले दिन बताता हूँ, आप जैसे हैं अच्छे हैं, एक्सेप्टेबल है, सिर्फ अपने तरीके चेंज करेंगे मेरे साथ रह करके, है ना. एंड इफ यू हैव गॉट सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, मैं फॉरगेट अबाउट इट. आई विल गिव यू रियलिटी चेक एंड आई विल गिव यू रियलाइजेशन. ये दो काम करूंगा मैं, एंड मैं उस पर फोकस करता हूँ. आई डोंट इश्यू सेट टेम्पलेट्स, बिकॉज हर इंसान अलग तरीके से आता है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके पास एक्सपीरियंसेस अलग हैं. तो एवरी पर्सन आई ट्रीट देम एज इंडिविजुअल. हर एक को अलग तरीके से देखता हूँ, बेस्ड ऑन देयर एज ग्रुप, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर प्रॉब्लम्स. एंड उसमें बहुत जोर लगता है, बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है. कोई मुझसे उम्र में बड़ा है तो मैं उनकी बात अलग से सुनता हूँ. जब वो आते हैं ऑफिस में, मैं पहले मैं खड़ा होता हूँ, मैं, प्लीज सेट. दे कॉल मी सर. माने के सर, यू आर एल्डर टू मी, है ना, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स. डोंट कॉल मी सर. ये नहीं सर, यहाँ मैं सीखने आया हूँ, यू आर सर. ओके. तो एक छोटे बच्चे ने नाम दिया मुझे मम्मा सर, है ना, बिकॉज ही आस्क मी कि आपका नाम क्या है. आई लव किड्स. तो मैंने मम्मा. इस मम्मा, बट वो कौन है? मैं, वो आंटी है, हर ओन मदर, हिज ओन मदर. ही स्टार्टेड कॉलिंग कि मैं उनको आंटी बोलूँगा. देन उसको समझाया कि उस सर बोलना है. ही मेड सम कॉकटेल काइंड ऑफ थिंग, मम्मा सर. एंड उस बोर्ड ने मेरे को बड़ा हौसला दिया. एंड देन उसके बाद में एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी मम्मा सर. तो मुझे बहुत हौसला आया. एंड फिर एक बच्चे ने, किसी ने ये भी लिखा है ना, आई हैव गॉट अ हैंड रिटन नोट बाय कपिल. तो ही रोट 2 पेजेस नोट फॉर मी एंड ही सेड कि यू हैड गिवन रीबर्थ टू मेनी लाइव्स एंड दैट हैज गिवन मी अमेजिंग कॉन्फिडेंस. फिर उसने कई चीज़ें मुझे बताई. कहता है, सर आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई आई हैव रिटन एवरी लाइन. एंड ही रिटन इन दैट कि यू बर्न योर सेल्फ टू एन इग्नाइट अदर्स. मैं पोइटिक अंदाज में नहीं है, कहते सर मैं बताता हूँ आपको, कारण बताता हूँ, वाई यू मेक स्टोन्स क्राई. मेरा ये तो बुरी आदत है, जो आते हैं मेरे पास रोते तो बहुत है.
ठीक है, बट जब वो वापस जाते हैं ना, तो मैं उनको बहुत वो कन्फर्म करके जाते हैं मेरे कि सर आई केम लाइक दिस, बट मैं अब जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं रहूंगी सर, है ना, खुश रह के दिखाऊंगी। मैसेज भी लिखते हैं, सर मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ अभी, एंड पीपल सी कि पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। बॉयज ऑल्सो कन्फर्म कि सर पहले मैं हर चीज़ में शिकायत कर रहा था, बट टूडे नाउ आई एम फाइटिंग इट आउट वेल, एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव सीन, कैंसर, मोलेस्टेशन, रेप केसेस, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फिजिकल अब्यूज, ठीक है, बुलिंग, पेरेंट चाइल्ड इश्यूज, है लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव सीन। पर जब वो वापस जाते हैं तो हर एक आदमी को उसके हिसाब से मैं समझाता हूँ, बताता हूँ कि ना ऐसे हैंडल करना है इस चीज़ को, ठीक है, एग्जैक्टली इस पोजिशन में बैठना है, ये बात करनी है, ये पक्का बोलना है, ये करना है, एंड देन गिव मी फीडबैक, 3 दिन में पक्का हो जाना चाहिए काम, अदरवाइज आई विल पुट यू ऑन ब्लॉक, राइटर देता हूँ साथ में, मैं तो को 1 महीना लगेगा बट हो जाएगा। फिर किसी ने बोला कि सर मदर एक्सपायर हो गए, एंड व्हेन शी वाज इन आईसीयू आई वाज हैविंग पार्टी दैट टाइम, आई एम सच ए बैड गाय, मैंने कहा बट कोई बात नहीं, यू नो गिल्ट में आदमी जिंदा नहीं रहता कभी, गिल्ट इज अ बैड थिंग, तुझे आज एहसास है ना, अच्छी बात है, समझाता भी हूँ मैं जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को ना, बहुत मन से बता रहा हूँ, अगर अभी मेरी बात को समझ जाओगे तो एहसास कहलाएगा, और नहीं मानोगे मेरी बात ना तो अफसोस कहलाएगा। यू टेल मी व्हाट यू वांट, एहसास चाहिए अफसोस चाहिए? ऑफ कोर्स सर एहसास चाहिए। तो मैं देन लिसन टू मी, देन आई एक्सप्लेन थिंग्स टू देम, मैं उसको बताया कि सर उसके बाद में 4 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, फादर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, एंड आई फील बैड अबाउट इट, मैं व्हाट यू हैव डन, ये तो कंप्लेन होगी, यू टेल मी योर पार्ट, व्हाट यू हैव डन टू रिपेयर दिस थिंग। कैसे आई एम द यंगेस्ट, व्हाट कैन आई डू, मैं क्यों घर में खाना नहीं खा रहा, कैसे खा रहा हूँ मैं घर में रह रहा है, बोला हाँ, मैं जिम्मेदारी कब लेगा, छोटे लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं, यू ट्राई इट, एंड फिर उसको समझाया क्या करना है, देन ही गिवन एग्जैक्टली 1 महीना दिया था, इसे सर टास्क डन, ऑल ब्रदर्स सर दे केम बैक होम, वी आर सिटिंग ऑन वन डाइनिंग टेबल हैविंग फूड, माय गॉड, मैं छोटा है तो भी कर सकता है। फिर जब देखा ना करते हैं लोगों को, एंड जब फीडबैक पॉजिटिव आने लगा कि सर मैंने भी कर लिया 3 दिन में, 1 हफ्ते में, घर में रिलेशन अच्छे हो गए, अब ये हो गया, तो मैं आने के बाद भी बोलता हूँ पहले दिन में जो प्रॉब्लम है मेरे को ना कागज़ में लिख करके देना, पढ़ता मैं कभी भी नहीं हूँ, बट बोल लेता हूँ उनको, वो लिख देते हैं एटलीस्ट, दे ओपन अप, बट बाद में खुद आकर के मुझे बताते हैं, एंड आई टेक देम टू सच ए लेवल, मैंने 100 लोगों के सामने, मैं यहाँ खड़े होकर के बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है, एवरीबडी शुड लिसन। और कई बार ऐसे एक्सट्रीम केस होते हैं, मैं आप बताओ कितने लोगों को लगता है लाइफ में प्रॉब्लम है, कैसा अभी लग रहा था बहुत प्रॉब्लम है, बट अब इसके बाद में सर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अगर हमारी भी प्रॉब्लम है तो वॉट वी हर्ट सर इट इज़ अनबिलीवेबल, कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दे स्टे लाइक फैमिली, एक बंदे की प्रॉब्लम होती है 100 लोग आते हैं साथ में कंधा देने के लिए, रोने के लिए, सो दैट इज गिवन अमेजिंग कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगता है ना कि एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है व्हेन पीपल सी, आई टेल यू सिंपल सी बात है, यू वांट टू स्टे हैप्पी, यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड, एवरीवन वांट दैट, एवरीवन वांट्स दैट, बट द प्रॉब्लम इज एंड व्हाट आई टेल देम, इफ यू वांट टू स्टे हैप्पी ना, एंड यू वांट पीपल अराउंड यू हैप्पी, फर्स्ट यू नीड टू लर्न टू हैप्पी, टू स्टे हैप्पी, इफ यू वॉन्ट पीपल अराउंड यू टू स्टे मोटिवेटेड, फर्स्ट यू नीड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, आप खुद ही मोटिवेटेड नहीं, आप दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे, शिकायत सारे लगाते हैं, सोल्यूशन है ना, सबको रेडीमेड चाहिए, टेलर सोल्यूशन, काम कोई नहीं करना चाहता, बट आई गिव देम दैट कॉन्फिडेंस 100% सॉल्व हो जाएगा, बट काम तुम करो, बाहर से कोई नहीं आया करने के लिए, रियलिटी चेक इज अ मस्ट, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट यू डू एज अ टीचर इन योर कैंप, एज अ टीचर और एकेडमी, जिसको आप एकेडमी नहीं बुलाते हो, एकेडमी नहीं है, लेकिन दैट्स वेयर यू, या That's why you train students to appear for the SSB exam, yes, for do. NDA, and also train them for life with these life skills. Life skills. देखिए अगर कोई life के लिए तैयार है तो SSB कौन सी बड़ी चीज़ है? Why you want to prepare yourself only for 5 years? But why are kids so scared of appearing for SSB? Because मैं देखती हूँ लोग दो दो तीन तीन साल prepare कर रहे होते हैं, preparation कर रहे होते हैं, उसके बाद भी clear नहीं होता है. नहीं होता है. हाँ जी. वो इसलिए है because see है ना, आप दुनिया को बोल लीजिए, मार्केट बोल लीजिए, बिजनेस बोल लीजिए, 2 चीज़ों पे काम करती है, वन इज इधर यू ल्यूर समवन और सेकंड यू स्केयर देम, यू नो डर के आगे, डर के आदमी आदमी मोर बन के नाचता है, आपको बताया जाता है मार्केट में दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, इतने लाखों लोग आते हैं और परसेंटेज है ना, सिलेक्शन रेट इज सो वेरी लेस, और यू ल्यूर देम, नंबर 1 रैंक आवर स्टूडेंट, सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, तो आदमी या तो उस उम्मीद में जाता है ल्यूर होकर के, या फिर डर के मारे कि बहुत मुश्किल है, मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी। मैं तो बहुतों को बताता हूँ पहले से, यू नीड नॉट डू एनी ट्रेनिंग, जैसा है बिल्कुल ठीक है, चला जा सीधा, हो जाएगा, झूठ मत बोलना, एंड अदरवाइज क्या है, मैं तो चेक करके देख, किसी भी अकेडमी में अगर तेरे कोई बोले कि आपको आने की जरूरत नहीं, दिल टेल यू कि आपको बहुत जरूरी है, देर आर पीपल हु कम दे कांट इवन स्पीक 1 लैंग्वेज, अपना 1 लाइन इन इंग्लिश, ठीक है, फिर भी उनको एडमिशन देते हैं लोग, मेरे पास आता है, मैं उनको बताता हूँ, मैं बेटा सुनना ऐसा है, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिखाने के बाद में व्हेन यू कैन नॉट ट्रांसलेट द सेम थिंग ऑन ग्राउंड, व्हाट इज द पॉइंट, मैं गिल्ट में कोई काम नहीं करता, इफ आई गिव यू एडमिशन टुडे
आप बाद में जाके कहीं ना कहीं फंसोगे, बिकॉज आपको भाषा पे पकड़ नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको सब सिखा सकता हूँ, भाषा नहीं सिखा सकता। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैं तो 6 महीने देता हूँ, तरीके बताता हूँ इंग्लिश कैसे सीख सकता है, पढ़ना लिखना बोलना, काम करके दिखा, गिव मी सम कॉन्फिडेंस, लगना चाहिए मुझे तूने मेहनत करी है। करेगा 100% जान लगा दूंगा तेरे ऊपर, बट अभी लेगा तो सिर्फ पैसे देगा, हार्ड एंड मनी ऑफ योर पेरेंट्स, नतीजा कुछ नहीं आएगा, यू नो। एंड देन फिर तेरा भी मन टूटेगा, माँ बाप के पैसे भी खराब होंगे एंड मुझे भी गिल्ट आएगा। व्हेन आई फुली नो कि तीनों चीज़ खराब होने वाली है, मेरी मेहनत, आपका टाइम है, पेरेंट्स के, माँ बाप के पैसे, तो वाई शुड आई गिव यू एडमिशन। मैं तो चेक करके देख, हिंदुस्तान में कोई भी अकेडमी होगी तुझे मना कर दो, बोलेंगे बहुत सही जगह आपने फोन किया, अभी एडमिशन लो, लास्ट 2 सीट्स आर अवेलेबल, लास्ट डेट, लास्ट दिस थिंग। मैं तो कभी करता ही नहीं, कई बार लोग कोलैब के लिए डाल देते हैं। मैंने कहा जो आदमी अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं कर रहा, आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपकी मार्केटिंग करूँगा? कोई फैशन शो से है, कुछ दवाइयों के लिए है, कुछ मैं दवाई मैंने जिंदगी में नहीं खाई, वाई शुड आई डू फॉर एनी मेडिसिन, है ना। लोगों कहता हूँ फिट रहो। एज अ टीचर, एज अ कोच, आप टफ लव में बिलीव करते हो? टफ लव, हाँ, ओके, व्हाट इज टफ लव, प्लीज एक्सप्लेन। टफ लव इज बेसिकली जब आप किसी को बहुत कैसे हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे यार हिंदी पंजाबी नेपाली इन्हें मेरी लाइन तो हिंदी, टफ लव मतलब जो सख्ती से आप किसी को उसके भले के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भले के लिए बोल रहे हैं जिसको बोला जा रहा है, दैट इज टफ लव। लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स हमें गुस्से से डांट देते हैं या किसी चीज के लिए झड़प देते हैं, तो दैट हक के इज साथ करता हूँ, हक के साथ जो किया जाता है, करता हूँ मैं बिल्कुल लेकिन हक के जिसके साथ। साथ होता है उसको नहीं लगता है कि ये नहीं, मेरे मेरे भले के स्टोरी लिए हो शो लगता है। रहा है। मैं आई टोल्ड यू नो आई डू ओनली 2 थिंग्स, वन इज रियलिटी चेक एंड सेकंड इज रियलाइजेशन। जितने स्टूडेंट्स आते हैं, एंड वन ऑफ द गर्ल आई रिटेन ऑन माई क्लास, दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ एक्सपेक्टेशन, इट इज अ क्लास ऑफ रियलाइजेशन। मैं पढ़ता हूँ, मुझे बैठ जाता है लास्ट में कि क्या मैसेज लिखे गए मेरे लिए, एंड इट स्टक मी हार्ड। ये बात सही है। तो पहले 2 दिन में कई बार बताते हैं सर बैरक में बहुत लोग रो रहे हैं, क्यों? उनका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है मेरे पास आके, रियलिटी चेक किसी ने दिया, सब कहते भाई तेरा पक्का हो जाएगा। मैंने कहा विद दिस स्टैंडर्ड मैं बड़ी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम जवान भी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। 2 लाइन तुमसे नहीं बोली जाती, वहम इतना तुम्हारे को, कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता है, सीधे बैठ नहीं सकते, हैंड मूवमेंट इतने करते, हु इज गिविंग यू फॉल्स कॉन्फिडेंस? वहाँ से सीखा है, मैं ऐसे नहीं होता काम, यू नो, काम करने का तरीका ठीक करना पड़ेगा। तो खड़ा करता हूँ, एंड वो कमरे में आपने लेक्चर देना हो तो मैं तो उनको वहाँ से अपने से 100 मीटर दूर खड़ा करता हूँ। आई गो एट हाइट एंड देयर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मेरी आवाज़ वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, इफ नहीं आई और दूर भेज दूंगा। रात को 2 बजे खड़े हो गए, बारिश में खड़े हो गए, मैं बोलो, नहीं बोलेगा चौराहे पे भी खड़ा कर दूंगा पब्लिक के बीच में, बोलो। फिर देख कॉन्फिडेंस गोज वेरी डाउन कि यार ये आदमी क्या कर रहा है हमारे साथ। मैंने कहा आप देखो काबिलियत कैसी है, एंड बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। वन ऑफ द गाय ही केम ऑल द वे फ्रॉम रांची, एंड करण को मैं लेके गया कि सर वो पब्लिक में बोलने में दिक्कत होती है, मुझे बहुत मुश्किल है, ओके। मैं उसको लेके गया रोड के बीचों बीच खड़ा किया मैंने ऑटो स्टैंड पे, मैं बोल कैसे सर यहाँ पे वहीं चले घर, मैंने यही बोलेगा कैसे मुश्किल है, मैं रुक। फिर मैंने एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया था जो साथ में था वहाँ पे, मैं दोस्त से मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको 3 मिनट यहाँ बोलने के लिए बोल दूँ मैं आपको और ऑफिसर बना दूँ आपको इंडियन आर्मी में, बोल दोगे? कहते सब पक्का बना दोगे? 100%। कैसे आप 10 घंटे बोलूँगा? ओके, पढ़े लिखे कितने हो? कहते पढ़ा लिखा होता तो ऑटो रिक्शा थोड़ी चलाता साहब मैं अभी, गुड थैंक यू। फिर आई आज डेम, मैं तुम दोनों से एजुकेशन किसकी ज़्यादा अच्छी है? सर ऑब्वियसली मेरी है। मैं पैसे किसके ज़्यादा है? मतलब मेरे पास। मैं कपड़े किसके अच्छे हैं? मतलब सर मेरे। मैं सोशल स्टेटस किसका अच्छा है? बोला सर मेरा है। मैं कॉन्फिडेंस किसका ज़्यादा है? कैसा आई गॉट योर पॉइंट, कॉन्फिडेंस उसका ज़्यादा है ना, वाई यू थिंक मतलब यू डिजर्व दिस थिंग? मैं उसका कुछ नहीं, वो कह रहा है 10 घंटे बोलूंगा साहब, जोर मारने के लिए कम से कम तैयार है, अनपढ़ आदमी, सब कुछ होने के बाद में जान है नहीं तो मैं बोल रहा पहलवान बनूंगा, नहीं बनेगा कुछ तरह, ठीक है। लॉट मैनी पीपल सेड कि सर मुझे डाउट आ रहा है, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। अच्छा सर वो मुझे लग रहा है अगर नहीं हुआ तो, बिकॉज फ्यूचर में मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो। मैंने कहा जैसा लाइफ में सोचोगे 100% वैसा ही होगा, मैं तुम्हारी नीयत इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम 100% आई प्रॉब्लम तुझे, बिकॉज यू थिंकिंग दैट थिंग, वॉट यू थिंक ना इट डेफिनेटली मैनिफेस्ट, नेचर मैनिफेस्टेड फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। वो वैसा ही होता है। वो लड़का जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, करण फ्रॉम रांची, ही इज डूइंग हिज ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री अकेडमी टुडे, ठीक है। अभी लास्ट मंथ ओनली हैज जॉइन, वहाँ से स्टार्ट ऑफ किया था। कह सर नहीं मैं सब कुछ हो जाएगा, तू सोच के देख एक बार, यू नो एवरीथिंग मैनिफेस्ट ऑन ग्राउंड। दूसरा मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि मैं जो काम मैं खुद नहीं कर सकता ना, वो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा करने के लिए, एंड जो चीज़ मेरे में काबिलियत है करने की वो मैं तुम्हारे को ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डंडे पे टांग के काम कराऊंगा लेकिन कराऊंगा 100%, पक्का होगा। आई विल पुश यू टू एनी एक्सटेंट टू गेट द जॉब डन, सो दैट इज टफ लव, दैट इज टफ लव। एंड मैं मुक्का मारने से पहले भी नहीं सोचता जितनी जोर से मुक्का मारना है, मतलब सी टफ लव।
कोई कहता था सर मेरी हर चीज़ में, यू आस्क माई स्टूडेंट डेल टेल यू, पहले दिन जाएंगे सर वो मेरी टांग में सर चोट लग गई दौड़ने में, ओके मैं जिम जाता ना तो हाँ सर बिल्कुल नहीं हो रहा सर, सच में बड़ा दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए, मैं इधर आओ मैं इग्नोर, ओके सर। फिर दूसरे दिन आता कोई, सर यहाँ से पूरा छिल गया यहाँ पे, सर क्या करना, मैं इग्नोर, क्या ठीक है सर। फिर तीसरे दिन कोई लड़की है कोई और आता है, कहते हैं कि ये सर थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को स्टमक में ना इधर दर्द हो रहा है, तो 10 आवाज आती है कहते इग्नोर क्या सॉल्यूशन ये किया इस आदमी को कुछ मत बताओ इग्नोर बॉल्स कुछ नहीं होता। तो दे हैव लर्न दिस लेसन, छोटी मोटी हर चीज में तुम्हें रिपोर्ट करना है कि प्रॉब्लम है,